बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के सीएम नायब सैनी ने तंज कसा, उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताया है और कहा कि लोग कांग्रेस के झूठ से बचें। ये लोगों से अपील भी सीएम करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरा 56 दिन का कार्यकाल हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल पर भारी है। वहीं सीएम ने तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने का भी दावा किया है। 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और हम उस सारे एजेंडे को भाइयों लागू करेंगे। भाइयों, मैंने हुड्डा साहब को कहा आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए, मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल पे भारी रहे। कांग्रेस ने भी 3 रोज पहले अपना झूठ का पुलिंदा, जो पहले हिमाचल में खोला था, फिर कर्नाटक में खोला, फिर तेलंगाना में खोला और अब आकर के हरियाणा के अंदर खोल दिया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। और भाइयों, जब 2 लाख नौकरी हुड्डा ने कही तो उनका एक विधायक नीरज, जो फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहा है नाइटी से, उसने परसों आज लोगों के बीच में कहा कि हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है, मैं 2000 युवाओं को नौकरी दूंगा। भाइयों, 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार नौकरियों में होता था, उसी दिशा के अंदर ये लोग इसको ले जाने का काम कर रहे हैं।